कटिहार लोकसभा को लेकर के दावेदारी जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से, और ये दावों के बीच में एक विवाद है सीटों के बंटवारे को लेकर के कि कांग्रेस लड़ेगी या आरजेडी लड़ेगी। लेकिन जो तस्वीर है वो बिहार की राजनीति की वो यूं है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों मंथन करके चुनाव लड़ना चाहती है ताकि एनडीए को किसी तरह का चुनावी फायदा ना हो। लेकिन अगर बात की जाए कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, तो वहां पर दावा कांग्रेस का भी बड़ा मजबूत माना जा रहा है। वहां पर तारिक अनवर जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वो सांसद रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान रहा। उसी आधार पर कांग्रेस चाहती है कि उस इलाके में कांग्रेस का उम्मीदवार हो। लेकिन अगर कांग्रेस के हिस्से में ये सीट जाती है, आरजेडी के हिस्से में भी जा सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस के हिस्से में ये सीट जाती है कटिहार लोकसभा, तो उसमें एक बड़ा दावा है, युवा नेता है जो सबसे आगे चल रहे हैं, उनकी दावेदारी काफी मजबूत है और वो चाहते हैं कि कटिहार लोकसभा में वो चुनाव लड़े। और कांग्रेस भी अगर चाहती है, इच्छा है, तो उस युवा नेता की जो कार्यकर्दगी है, जो राजनीतिक संघर्ष है उनका, उसको लेकर के उन्हें टिकट मिल सकता है। उनका एक बड़ा दावा है। कटिहार लोकसभा की बात हो रही है इसलिए कि कटिहार पर लोगों की निगाह रहती है। वहां पर मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और वहां पर कांग्रेस आरजेडी यानी पूरी गठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो एक युवा नेता तौकीर आलम की दावेदारी है। जेएनयू से पढ़ने के जमाने में एनएसयूआई से जुड़े, वहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया और उसके बाद लगातार उनकी जो सियासी हरकत है, राजनीति में हरकत है, कांग्रेस को मजबूत बनाने में हो रही है। इसलिए कि पिछली जो यात्रा थी राहुल गांधी की, उसमें भी बड़ा उनका योगदान रहा। चुनाव, विधानसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं प्राणपुर विधानसभा से, वहां पर बहुत ज्यादा उन्होंने 80,000 के आसपास वोट लाया था। तो एक बड़ी दावेदारी, बड़ा मजबूत पढ़े लिखे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर वहां पर कांग्रेस टिकट देगी तो इस युवा नेता तौकीर आलम की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। इसलिए कि तारिक अनवर की कोई दावेदारी नहीं है, उनके लिए कोई मांग नहीं उठा रहे हैं और कांग्रेस में इस युवा नेता का नाम सबसे आगे चल रहा है। और कांग्रेस के हिस्से में अगर वो सीट जाती है कटिहार लोकसभा की, तो उन्हें चुनाव में खड़ा किया जा सकता है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर तौकीर आलम युवा है, अगर वो चुनाव में आते हैं तो परिणाम बदल सकते हैं। हालांकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के हिस्से में वो सीट जाती है तो तौकीर आलम का दावा सबसे मजबूत है और कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन का जो दौर है वो जारी है और उसके साथ साथ जो उम्मीदवारों का फैसला करना है उसमें कई ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मंथन चल रहा है कि भाई इसको सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस के हिस्से में जानी चाहिए, कांग्रेस का परंपरागत वोट है यहां पर। तो ऐसे हालात में कटिहार में अगर कांग्रेस को हिस्से में आती है ये लोकसभा की सीट, तो तौकीर आलम जो युवा नेता हैं कांग्रेस के, उन पर उम्मीदें हैं और उन्हें टिकट मिल सकता है।